नमामि धन्वंतरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरार भय मृत्युनाशं दातार दीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, 2-3 मिनट लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और नेटवर्क चला गया, लेकिन मैं कैसे भी इसको पढ़ा रहा हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है वो मेंटल रिटार्डेशन है, इसका हेतु लिंग औषध हम लोग देखने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर शाम को 7 बजे मिलते हैं, हम लोग कोई विषय पे बात करते हैं और यह सभी के लिए काम आता है जब भी यहाँ पे बात होती है। तो हमारे आसपास आजकल का खान पान बहुत बिगड़ा हुआ है, उसके बाद में मतलब खान पान के साथ में कैसे भी विवाह हो रहे हैं, मतलब जो पहले जैसे कुल खानदान दे के विवाह होता था तो वो सब विवाह वैसे नहीं हो रहा है, कैसे भी हो रहा है। दूसरा क्या है कि सगोत्रीय विवाह या फिर उल्टा पुल्टा कैसे भी विवाह हो रहे हैं, तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं आज के जमाने में और गर्भिणी अवस्था में जो परिचर्या करनी चाहिए वो भी नहीं पाला जा रहा है, सीजरियन हो रहे हैं, बहुत सारे दवाइयाँ कैल्शियम और आयरन के नाम पे बहुत सारी दवाइयाँ खिला दी जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो बहुत सारा मेंटली रिटार्डेशन ऐसा बीमारी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। जितने भी अमीर अमीर लोग रहते हैं ना इंडिया में, आप लोग देखिए एनालिसिस करिए, जितने भी अमीर लोग हैं उनके बच्चों को कुछ ना कुछ विकृति होती है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। अभी मेंटली रिटार्डेड नहीं, लेकिन आप लोग देखिए कि मुकेश अंबानी जी का इतना पैसा है, इतना पैसा है, लेकिन एक बेटा का हेल्थ कैसा हो गया। उनको अस्थमा का तकलीफ था और इतना स्टेरॉइड दिया गया, इतना स्टेरॉइड दिया गया कि पूरा शरीर में विकृति आ गई। तो मतलब इतना पैसा होने के बाद भी स्वस्थ बच्चा, जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि वाजीकरण रसायन, इससे चिकित्सा स्थान बताया गया है कि अच्छा बच्चा होना चाहिए, अच्छा संतान, अच्छा समाज ऐसा होना चाहिए। अगर विकृति आ रही है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो क्या फायदा है, मतलब फिर देश कैसे चलेगा। और वेदों में अगर हम लोग देखेंगे, ऋग्वेद में बोला गया है कि भारतीय लोग जब होते थे ऋग्वेदिक काल में तो बहुत ओजस्वी तेजस्वी लोग रहते थे और पूरा भारत में हिंदुस्तान का ही राज्य था, पूरा मतलब पूरा भारत ही था पूरे दुनिया में, और एक ही धर्म था, सनातन धर्म था। लेकिन अभी कैसा है कि इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी प्रोटीन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट देखते हैं गर्भावस्था में और उस हिसाब से इलाज होता है और बाकी सारा चीज उल्टा पुल्टा होता है, तो इसलिए मेंटली रिटार्डेड लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं आज के जमाने में।
तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। हेतु तो मैंने थोड़ा बता दिया, लेकिन मैं और भी चीज बताना चाहता हूं। तो पहले आप लोग स्लाइड देखिए, मेंटली रिटार्डेड हम किसको बोलते हैं? तो मेंटली मेंटल रिटार्डेशन, इसका डेफिनेशन क्या है? बुक्स में क्या लिखा है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑल्सो नोन एज जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन, इज ए जनरलाइज्ड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव फंक्शनिंग। मतलब आज के रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीजें चाहिए, हर इंसान को आज मोबाइल चलाना आना चाहिए, लैपटॉप चलाना आना चाहिए, मतलब स्कूल जाना आना चाहिए, बस में चढ़ना आना चाहिए, टीचर जो बोल रहे हैं वो सुनने आना चाहिए, पर समझने आना चाहिए। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जब हो जाती है माइंड से, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, या मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब वो स्लो होते हैं, विकृत रहते हैं, उसमें न्यूरो डेवलपमेंटल मतलब ब्रेन का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डिसऑर्डर होता है, इसलिए इंटेलेक्चुअल जो चीज है फंक्शनिंग वो खराब हो जाती है। अडेप्टिव फंक्शनिंग जो समाज से आसपास से जो अडप्शन करके मतलब ग्रहण करके ले आ जाता है ज्ञान, वह सब रिटार्डेड हो जाता है। उसमें कोई मतलब ऐसा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आते हैं कि जो नॉर्मल बच्चे में होना चाहिए। आज हमारा दुनिया देश जो है मतलब 20वीं सदी में जा रहा है, 21वीं सदी में है, तो आज के जमाने में बहुत चेंजेस आ गए हैं। आज का जमाना बहुत फास्ट है और जो टेक्नोलॉजी आ गई है सब जगह, उस हिसाब से अगर बच्चा नहीं है तो वो मेंटली रिटार्डेड है। तो मेंटल रिटार्डेशन इज डिफाइंड एज सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड इम्पेयरमेंट ऑफ इन कॉग्निटिव एंड अडेप्टिव फंक्शनिंग, ऐसा होता है। इसके कॉजेस जो रहते हैं इस पे हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग हेतु बदलेंगे। तो प्री नेटल या एंटी नेटल कॉजेज होता है कि इन्फेक्शन हो गया, अगर माता पिता को सिफिलिस हो गया, मेनिनजाइटिस हो गया, रूबेला का इन्फेक्शन है, टॉर्च पॉजिटिव है, या फिजिकल डैमेज है जैसे इंजुरी हो गया बच्चे को, हाइपोक्सिया हो गया ऑक्सीजन नहीं मिला, या लेड पॉइजनिंग, सर्टन ड्रग्स का इंटॉक्सिकेशन हो गया, या प्लासेंटिकल डिसफंक्शन हो गया, टॉक्सिमिया, न्यूट्रिशनल ग्रोथ रिटार्डेशन। इसके साथ में कॉजेज ये हो सकता है कि मेंटल रिटार्डेशन का होता है कि जब बच्चे का मोटर स्किल जो है, लैंग्वेज स्किल है, और सेल्फ हेल्प का स्किल जो है वह डेवलप नहीं हो रहा है, या बहुत ही स्लो हो रहा है, जो एक बच्चे में चाहिए, नॉर्मल बच्चे को ग्रोथ होने के लिए चाहिए। अब जैसे बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, बच्चे बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कोई खिलौने खेलते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, वो अगर नहीं हो रहा है, रिटार्डेड है वो बच्चा, तो ऐसा होता है। दूसरा है कि बिफोर या कॉन्सेप्शन के पहले हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया, या फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया, या फिनाइल कैटोनूरिया नाम का एक बीमारी है वो हो गया, जो अनुवांशिक रूप से आ रहा है उसके वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि सीवियर मैटरनल माल न्यूट्रिशन, माँ को खाना पीना अच्छे से नहीं मिला, अब वो खा रही है माँ, लेकिन वो क्या खा रही है, पिज्जा खा रही है, बर्गर खा रही है, दारू पी रही है, वो खा तो रही है लेकिन वो क्या खा रही है, कचरा खा रही है। तो जो बच्चे को रस रक्त मांस में दस्ते मज्जा शुक्र चाहिए, अच्छा प्राकृत चाहिए, शुद्ध, वो नहीं मिल रहा है, तो उससे ये सारा प्रॉब्लम हो गई। उसी तरह से HIV पॉजिटिव है, ऐसा इन्फेक्शन हो गया, या फिर साइटोमेगालो वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रुबेला का वायरस, ये सब हो गया, या अल्कोहल ले रही है माँ, लेड पॉइजनिंग हो गया, मिथाइल मरकुरी का टॉक्सिन गया किसी भी तरह से, या कोई अपस्मार की दवाई चल रही है जैसे फिनटोइन चल रहे हैं, वेलपोरेट चल रहे हैं, आइसोटेरेटोनाइन, और कैंसर का केमोथेरेपी चल रहा है, और माँ प्रेग्नेंट है और ये सारी ट्रीटमेंट चल रही है, या फिर ब्रेन का डेवलपमेंट ही एबनॉर्मल है जैसे कि पोरेन पोरेन सिफेलिक सिस्ट हो गया, ग्रे मैटर में हेटेरोट्रोफिया और एनसेफेलो सील, ऐसे बहुत सारे और बीमारियां होती है जो ब्रेन का डेवलपमेंट में विकृति आ गया है, जो हम बोलते हैं वायु विभजती, गर्भ में वायु विभाजन करता है और एक एक अवयव को अच्छे से बनाता है। तो जिस बच्चे ने पाप कर्म किया है या माता के नसीब में अच्छा बच्चा नहीं है, तो उनका बच्चा जो होगा वो विकृत होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, या प्री एंक्लेम्सिया है, मल्टीपल बर्थ हुआ है उसके वजह से हो सकता है, या फिर ड्यूरिंग बर्थ क्या कॉजेज होता है मेंटली रिटार्डेशन के लिए, कि इनसफिशियंट ऑक्सीजन मिलना, हाइपोक्सिया होना, या एक्सट्रीम प्री मैच्योरिटी,
बच्चा जो है 6 महीने में ही हो गया, उसको डिलीवरी हो गया 6 महीने में, तो प्री मैच्योरिटी जो रहता है उसके वजह से भी हो सकता है बच्चे को जो माता के शरीर में मिलना चाहिए पोषण वो नहीं मिल पा रहा है। आफ्टर बर्थ क्या होता है, तो ब्रेन इन्फेक्शन हो गया, जैसे मेनिनजाइटिस हो गया, एनसेफेलाइटिस हो गया, सीवियर हेड इंजरी हो गया, माल न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड, या फिर सीवियर इमोशनल निग्लेक्ट और अब्यूज, इमोशनली बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी बच्चा जन्मा है और उसकी माँ मर गई, और सौतेली माँ या कोई ऐसी माँ के साथ उसको रख दिया गया, तो वो तो अपना बच्चा मानेगी नहीं, वो तो टॉर्चर करेगी, अब्यूज करेगी या फिर निग्लेक्ट करेगी। जो माँ का ममता, कारुण्य, वात्सल्य मिलना चाहिए वो बच्चे को नहीं मिलेगा, तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। उसी तरह से लेड और मरकुरी का टॉक्सिन अगर चला गया किसी ना किसी तरह से, या ब्रेन ट्यूमर हो गया, या ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट चल रहा है माँ को या बच्चे को, उसकी वजह से मेंटली रिटार्डेशन हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बीज संस्कार नाम का कॉन्सेप्ट है। अपने शारीरिक स्थान में, चरक के शारीरिक स्थान में देखिए या फिर वाग्भट में देखिए, उसमें बताया है कि शुक्र आर्तव अच्छा होना चाहिए, ऋतु ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भात स्याद अंकुरो यथा, जो बताया ना ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजा नाम, ये जो है ऋतु क्षेत्र अम्बु और बीज ये अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम लोग शोधन करा देते हैं, वमन विरेचन करा देते हैं, और जो बस्ती नस्य रक्त मोक्षण करा के तब कंसीव होने का, और हस्बैंड को भी वृक्ष योग देते हैं, माँ को भी अच्छे से ओवुलेशन हो, फॉलिकुलर स्टडी में सब अच्छा हो, एएमएच लो ना हो, हम बहुत सारी बातों को सोच के और गर्भ संस्कार करते हैं, बीज संस्कार करते हैं, तब गर्भाधान के लिए हम मतलब मैथुन संस्कार का भी नियम है वो सब पालते हैं, और तब संतान होती है तो वो विकृत नहीं होती है। लेकिन ये सब चीजें मालूम ही नहीं है समाज को, कैसे भी कुछ भी हो जाता है। अभी लोग डांडिया खेलने जाते हैं नवरात्रि में, और वहां पे लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो वो सब जो है विकृत है, जो ऐश और मौज मस्ती के लिए किया जाता है, वो बच्चा रह जाता है तो वो अच्छा और नहीं होगा, या रेप कंडीशन हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे विकृत चीजें जहां पर भी आती है तो बच्चे पे प्रभाव होता है। तो इसीलिए ये कॉजेज और भी बताइए, और कॉजेज देखिए, प्रीनेटल कॉजेज हो गया, बर्थ एस्टेक्सिया हो गया, प्रोलॉन्ग बर्थ हो गया, डिफिकल्ट बर्थ हो गया, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गया, प्री मैच्योर बर्थ हो गया, बर्थ में इंजरी हो गया, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, फोर्सेप डिलीवरी जो होता है चिमटे की तरह निकालते हैं बच्चे को, उससे मेंटली रिटार्डेशन होता है, या पोस्टनेटल कॉजेज जैसे इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चाइल्ड अब्यूज हो गया, इन्फेक्शन मतलब इंसेफेलाइटिस, मेनिनजाइटिस, माल न्यूट्रिशन, और नीचे दिया है कि इन्फेक्शन में कंजेनाइटल रूबेला है, कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, एनसेफेलाइटिस, एचएफ इन्फेक्शन, मेनिनजाइटिस, ये सब कॉजेस मॉडर्न में बोला है। आयुर्वेद में भी यही बोला है कि माता ने मिथ्या आहार विहार किया, माता अगर वात प्रकोपक आहार विहार कर रही है पहले मतलब गर्भाधान के पहले, बहुत वात का प्रकोप है, वेगावरोध किया है बहुत ज्यादा, दारू पी रही है, सिगरेट पी रही है, बीड़ी पी रही है, कुछ भी पी रही है, उल्टा पुल्टा काम कर रही है, और वो जाके उसको इंटरकोर्स हुआ और बच्चा हो गया, तो पहले ही माँ को विकृति है, रक्त दुष्टि है, तो बच्चे में वो आएगा ही, मज्जा धातु का अच्छा मिलेगा नहीं तो मेंटली रिटार्डेड ही होगा। इस वजह से जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं, सोशियो कल्चरल कॉजेज, जैसे डिप्रिवेटिव सोशियो कल्चरल स्टिमुलेशन, आइसोलेशन, माँ को बाहर नहीं निकलने दिया, बहुत बस बंद बंद रखा, ऐसे कॉजेज हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है, तो माइल्ड ऐसा होता है कि आईक्यू लेवल 50 to 70%, मॉडरेट होता है 30 to 50% आईक्यू लेवल, सीवियर होता है कि less than 30%, और प्रोफाउंड होता है कि less than 15%, 15 से भी ज्यादा कम होना, ये सब क्या होता है मेंटली रिटार्डेशन का टेस्ट होता है, ये सब सब्जेक्टिव पैरामीटर होता है, तो उसको हमने क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव किया है। अब प्रॉब्लम ड्यू टू मेंटल रिटार्डेशन, जैसे पर्सनल लेवल पे बच्चा बात नहीं कर सकता है माता पिता से, भाई बहन से नहीं बात कर सकता है, सोशल भी रहता है कि वो सोशली मिक्स नहीं होता है, एजुकेशनल भी होता है, सेक्सुअल और मैरिटल, शादी ब्याह में भी उसको प्रॉब्लम होती है, वो मतलब शादी कैसे करेगा अगर वो मेंटली रिटार्डेड है, तो इन सब से क्या होता है प्रॉब्लम बहुत होती है, एजुकेशन में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो जो एक मूवी आई थी तारे जमीन पर, वो डिसलेक्सिया का बच्चा था, वो मेंटली रिटार्डेड था, बच्चा पढ़ नहीं पाता था, उसको कुछ और दिखता था, तो आमिर खान की मूवी है ना दर्शील का, आमिर खान, ऐसे मेंटल रिटार्डेशन से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो प्रिवेंशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन मतलब गुड एंटीनेटल, ये मॉडर्न साइंस भी मानते हैं, जो हम लोग गर्भ संस्कार मानते हैं, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल केयर,
इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी, एजुकेशन ऑफ द पब्लिक, जेनेटिक काउंसलिंग टू एट रिस्क पेशेंट, सिफिलिस एंड एड्स स्क्रीनिंग ये किया जाता है। वैक्सीनेशन ऑफ गर्ल्स विद रूबेला वैक्सीन, जिनका टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव है उनको रूबेला का वैक्सीन दिया जाता है। फिर अवॉइडिंग कंसेंग्वियनल मैरिज, मतलब सगोत्री विवाह, जैसे कि कुछ कम्युनिटी है जिसमें मामा की बेटी से शादी कर लेते हैं, मामा या भांजी से ब्याह कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मौसी से शादी कर लेते हैं। जो कम्युनिटीज है ना, वो पारसी कम्युनिटी में भी है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी है, ऐसे मतलब और भी बहुत सारे कम्युनिटी में है जो अपने ही फूफा की बेटी से, बुआ की बेटी से शादी कर लेते हैं, मामा की बेटी से शादी कर लेते हैं, कजन से शादी कर लेते हैं। तो ये सब जो होता है अपने ही सब गोत्र में ही शादी करना, तो वो क्या होगा, जीन से सेम आ रही है तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है। उसी तरह से, और हमारा, मैं जो इसमें साकलदीपी ब्राह्मण, इसमें भी पहले ऐसे रूल था कि साकलदीपी ब्राह्मण केवल साकलदीपी ब्राह्मण से करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या किया गया, आपस में एक गुच्छा बना के इनसे, इनके इनकी बहन के उनके उससे, फिर उनके उससे शादी कर लो। तो बहुत सारा ऐसा पाया गया कि मेंटली रिटार्डेशन बढ़ गया बहुत ज्यादा। और अतुल गोत्रीय जब बोला है कि दूसरा गोत्र से शादी करना चाहिए, सगोत्र से नहीं करना चाहिए, सगोत्र हुआ तो भाई बहन बोला गया, लेकिन साइंटिफिकली सेम गोत्र में नहीं होना चाहिए, वो फिर जीन्स वैसे सेम आएंगे तो नया चीज कैसे आएगा। और जो लोग एक्स्ट्रा जो होता है, मतलब अतुल गोत्रीय होते हैं, तो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कैसे भी विवाह करें, लेकिन आप कभी भी देखिएगा कि जहाँ, मतलब साइंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, जहाँ मुस्लिम और हिंदू के बच्चे होते हैं, साइंटिफिकली देखिए तो बच्चे बहुत शूरवीर होते हैं, कुछ अलग चीज आता है जीन्स में। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि कैसे भी शादी करो, बस मैं साइंस बता रहा हूँ। जहां पर ना कुछ नया चीज आता है, तो वो नया जीन्स जब आता है ना, तो वो बच्चों में कुछ अलग चीज आता है, वो खानदान का, वो कुल का कुछ नया चीज आता है। जब सेम में ही करेंगे, सेम में करेंगे तो वो वैसे ही होंगे, तो ऐसा बोला जाता है कि फिर संस्कार विहीन हो जाएंगे, कुल का नाश हो जाएगा। भगवत गीता में भी लिखा है कि कुल का नाश हो जाता है अगर, फिर वो कुल मर्यादा कुछ भी नहीं रहता है, संस्कार नहीं रहते हैं। इस पे मत मतांतर हो सकते हैं, लेकिन अतुल गोत्रीय हमारे चरक संहिता में बोला है कि सेम गोत्र में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अवॉइडिंग कॉन्सेंजुअल मैरिज जो बोला है, इसका मतलब सेम गोत्र में शादी करना, इससे मेंटली रिटार्डेशन होता है। और प्रिवेंशन मेजर्स टू रिड्यूस चाइल्ड अब्यूज, बच्चों में अब्यूज नहीं होना चाहिए। जो पेरेंट्स मतलब स्टेप मदर स्टेप फादर अब्यूज करते हैं, या मेंटल ट्रॉमा होता है, जैसे कि बच्चे ऐसे हो गए कि मतलब डिवोर्स केस चल रहा है, बच्चों के दिमाग पे हो रहा है कि मम्मी और पापा की लड़ाई हो रही है, बच्चों को माइंड पे, तो ये चाइल्ड अब्यूज है। या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या होम एक्सीडेंट हो गया, घर पे एक्सीडेंट हो गया। दूसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन है, तो अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर, एमनियोसेंटेसिस एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर क्या है कि हमें सोनोग्राफी में पता चल रहा है कि कुछ विकृति है, तो एमटीपी करके अबॉर्ट करा दो, वो जो एमनियोटिक फ्लूड है उसको निकाल के और फिर बच्चे को गिरा दो, उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ने भी पास किया है कि अगर ऐसे केसेस रहते हैं जहां पे बच्चे का जिंदगी खराब होगा, तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अर्ली डिटेक्शन ऑफ करेक्टेबल डिसऑर्डर्स, फिर प्रिवेंशन ऑफ फर्दर डैमेज ऑफ द इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, मतलब आगे और उसको कुछ डैमेज ना हो, तकलीफ ना हो। टर्शरी प्रिवेंशन होता है ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विद ड्रग्स एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, कस्टोडियल केयर ऑफ सीवियर मेंटली रिटार्डेड दोज विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनको हॉस्पिटल में रख दें, मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल दें, मतलब वहां पे केयर अच्छा। दूसरा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ मेंटली रिटार्डेड टू अवॉइड हैंडीकैप्स, उनको एजुकेशन देना, या मेक प्लान्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स एंड कैपेसिटी ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, प्लान बनाना कि हम लोग कैसे उसको आगे मैनेज करेंगे। रिहेबिलिटेशन एंड नर्सिंग केयर में असेसमेंट ऑफ द नीड्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कस्टोडियल केयर, कस्टोडियल केयर मतलब वहीं पे रख देना है बच्चे को, और वहां पे जो ट्रेन डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वो लोग उसको अच्छे से रखेंगे। तो इतना है। अब इसमें सिम्टम यही रहता है कि बच्चा जो रहता है मेंटली रिटार्डेड, वो बड़ा होते जाएगा, वो जो रोहित मेहरा की जो मूवी है कोई मिल गया, तो वो बड़ा हो जाता है ऋतिक रोशन, लेकिन वो छोटे बच्चे जैसे ही खेलता रहता है, तो इन्फेंट लाइक बिहेवियर रहेगा।
डिक्रीज लर्निंग एबिलिटी, वो कुछ सीख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, जो उस उम्र के बच्चों को होना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। फेलियर टू मीट द मार्कर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में जैसे बच्चा फर्स्ट से सेकंड में जाता है, सेकंड से थर्ड में जाता है, तो मैथमेटिक्स साइंस इंग्लिश सब हाई लेवल का होते जाता है। फर्स्ट में जब बच्चा रहेगा तो उसको नॉर्मल इंग्लिश रहेगा, सेकंड में जाएगा तो थोड़ा हार्ड रहेगा, मैथमेटिक्स भी हार्ड रहेगा, साइंस भी हार्ड रहेगा। तो ऐसे ही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में वो फेल होते जाता है। इनएबिलिटी टू मीट एजुकेशनल डिमांड्स एट द स्कूल, स्कूल में जो डिमांड है एजुकेशनल डिमांड वह उसको नहीं मिल पा रहा है। लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, पढ़ने में उसको क्यूरियोसिटी ही नहीं है, तो ये सब मेंटली रिटार्डेशन का रहता है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। तो ये सिवियरिटी कितना है उस पर डिपेंड करता है कि कितना परसेंट में उसका आईक्यू लेवल है, कितना मेंटली रिटार्डेड है। मतलब ये ज्यादातर बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, इंसान बड़ा हो जाता है लेकिन जैसे बच्चे करते हैं वैसे ही वो लोग बिहेव करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि आईक्यू लेवल से हम लोग पहचान जाते हैं, जो मैंने बताया आयुर्वेद के हिसाब से मंद बुद्धित्व ऐसा बोला जाता है, अल्प ज्ञाने च, मतलब जिसको हम मूर्ख बोलेंगे, बुद्धिमान दे हो गया है, जैसे अग्निमंद होता है वैसे बुद्धिमान, मेधा की अग्निमंद हो गई है। तो इसमें जो भी इंटेलिजेंस है या नॉलेज है लिमिटेड ही रहता है, उससे आगे वो बच्चा बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो मंद बुद्धि तत्व है उसको कफज नानात्मज विकार में जो 20 टाइप का बताया उसमें एक टाइप बताया। तो दोष इसमें मनोदोष विकृत रहता है और तमोगुण बढ़ा रहता है बच्चों में, सत्व गुण कम रहता है, रज भी कम रहता है क्योंकि उसको कोई इच्छा नहीं है, वो बस आ गया इस दुनिया में, तम गुण बढ़ा रहता है और प्राण वायु की दुष्टि रहती है क्योंकि सारे ज्ञानेन्द्रिय का कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है। उदान वायु, उरा स्थानम उदान से नासा नाभि गला शरीर वाक प्रवृत्ति प्रत्यनोजा बल वर्ण स्मृति क्रिया, प्रयत्न और ऊर्जा उसमें है वो कम रहता है, बल भी कम है, स्मृति क्रिया भी कम है, उदान की विकृति है और व्यान व्यान की भी विकृति है, जो पूरा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए जो स्पीड से वो नहीं हो पा रहे। तर्पक कफ की विकृति होती है, रस और सर्व धातु इसमें विकृत रहते हैं, रस रक्त मांस में दस्ते मज्जा शुक्र तक वो मतलब रिटार्डेड रहता है। तो इसमें मनोवा और सर्व स्रोतो मसी, मतलब सारे स्रोतस में यहाँ पे दुष्टि रहती है और अग्नि इसमें विषम रहती है, मंद रहती है और अल्प व्यक्त लक्षण रहते हैं पूर्व रूप में मानसिक चेष्टा हानि, भय और क्रोध, क्रोध ज्यादा रहेगा बच्चे में, इरिटेशन ज्यादा रहेगा, भय भी रहेगा और मानसिक चेष्टा हानि, मन से वो बहुत स्लो रहेगा, मेंटली रिटार्डेड है, डिलेड माइलस्टोन। और रोग मार्ग है मध्यम मार्ग, तो इसमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि सद्व्रत का पालन करना है, मेध्य रसायन देना है जो आचार्य लोगों ने बताया, और आचार्य लोगों ने इसमें ये भी बोला है कि बीज संस्कार अच्छे से होना चाहिए, माता और पिता की शुद्धि होनी चाहिए, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। मैं कुछ और बातें बताऊंगा लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग कुछ बोलिए, मैं बोलते बोलते थक गया हूं, आप लोग कुछ बोलिए इस टॉपिक पे, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जी डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलिए, मेंटली रिटार्डेशन पे आपका क्या विचार है? अभी सर गुरु सर जो अपने सामने कहता है खुले गोत्री होना चाहिए, बात तो सही है। और जैसे हम लोग पहले भी पढ़ते थे कि इल्डरली प्राइमी ग्रेविडा वगैरह जो होते हैं, अधिक एज के प्रेगनेंसीज वगैरह होती हैं, उन सब में होता है। और जैसे मैंने अपनी फर्टर्निटी में भी देखा है कि कुछ लोगों के बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम है, वहां पर क्यों ये वजह है हालांकि ज्यादा पूछा नहीं है, लेकिन जो साइंस के सर्वे हैं उसमें यही है कि अधिक एज की जो प्रेगनेंसी रहती है उसमें होता है, या जैसे आपने सारी चीजें बताई न्यूट्रिशनल है और भी इस तरह की चीजें हैं। अभी तक मेरा जो है सर ट्रीटमेंट नहीं किया मेंटली रिटार्डेड किसी बच्चे का, ऐसे थोड़ा बहुत हुआ है कि जैसे मान लो स्पीच डिसऑर्डर वगैरह है, इस तरह की प्रॉब्लम तो देखी है, लेकिन मेंटली साउंड नहीं है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, इस तरह के बच्चों को भी ट्रीट नहीं किया सर, उनका कोई अनुभव नहीं ट्रीटमेंट का। जी अच्छा सर ठीक है, और कोई बोलना चाहता है? मनीषा सिंह मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर, मेंटली रिटार्डेशन पे? मनीषा मैडम जी कुछ बोलिए आप, डिस्कशन अच्छा होना चाहिए। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम मैम। हाँ जी सर, बच्चे तो अभी आते हैं इसमें और काफी एज के बाद ही आते हैं, लोग सब जगह से उपचार कराने के बाद आते हैं। बेसिक तो यही है कि जो माता पिता हैं
पूजा स्थापन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाता है, उनकी शुद्धि भी नहीं हो पाती, सही बताया आप सर। और जैसे टॉर्च पॉजिटिव है, इसके बाद भी बच्चों को ले लेते हैं वो लोग, तो कई माता पिता तो हैं, मदर को टॉर्च पॉजिटिव था लेकिन वो एबॉर्ट नहीं कराई और बोलती कि नहीं जो भी होगा हम बच्चे को जन्म देंगे। और उसके बाद फिर वो बच्चों में फिर यही प्रॉब्लम आते हैं मेटरटेटिव के, और अभी कुछ सर्जरी में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं सर, जैसे ये सॉरी जो डिलीवरी करा रहे हैं उसमें नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हैं तो उसमें जो शक करते हैं और सिप करते हैं तो उसके वजह से भी बच्चों में ये मानसिक आघात होने की वजह से भी आ रहा है। अभी 3-4 बच्चे ऐसे भी आए मेरे पास, तो उनमें बहुत डिले होता है सर, बहुत टाइम भी लगता है और पेशेंट उतना स्टेबल नहीं रहता है, हालांकि बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसमें, उसके विजन में भी आता है, पहचानने में, आवाज को पकड़ने में, स्पीच भी थोड़ा थोड़ा आने लगता है, आईलिड भी उनकी काफी उनकी सक्रिय हो जाती है, स्वेलिंग भी अच्छा आने लगता है, लाला स्राव भी कम हो जाता है, हाथ पैरों में एनर्जी भी आ जाती है, रीढ़ की हड्डी में भी बैठने लगते हैं, गर्दन को सीधा करके टीवी का रिमोट चलाने लग रहे हैं। तो ये सब है, लेकिन इसकी सालों साल चिकित्सा चलनी चाहिए, 1-2 साल ऐसे चलना चाहिए। तो इतना इम्प्रूवमेंट आने के बाद फिर वो पेशेंट लोग थोड़ा सा पेरेंट्स जो हैं बोलते हैं अरे हम तो पहले भी खर्च कर चुके हैं फिर आयुर्वेद में इतना, फिर कैसे करेंगे, फिजियोथेरेपी हम करा रहे हैं, ऐसा चलता है। मर्म का भी बहुत अच्छा इसमें रोल है, मर्म चिकित्सा कम खर्च में भी, और पेरेंट्स को सिखा देते हैं हम विध कर्म मर्म, शिरोधारा बीच बीच में देना, नस्य के लिए मेडिसिन दे देते हैं, और जितनी भी अपनी संज्ञा स्थापक औषधियां हैं उनको चलाते हैं, लेकिन बस्ती जरूर देते हैं। बस्ती में भी वही जैसे हमने अभी बकरे की वो अस्थि मज्जा को वो करके बना करके देना, ब्राह्मणी कल्प को उसमें ब्रह्म मुहूर्त में सेवन कराना, और स्वर्ण प्राशन कराना, और शिखा में ब्रह्म सारस्वतक चूर्ण का पेस्ट बना करके पुल्टीस बना करके उसको हिमसागरादि ब्राह्मणी तेल और इसके वचा तेल के साथ उसको अभ्यंग करके पिचू रख के, और फिर उसको पोल्टिस को ऐसे स्वस्तिक पिंड बांधना, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको दे करके और पूरी कोशिश करके और बहुत अच्छे स्टेबल हम कर सकते हैं, और बहुत पेशेंटों में इसमें इम्प्रूवमेंट भी आया है, और कुछ पेशेंट जो है 10-15% वो मदर फादर वही है कि लंबा लगेगा, 1-2 महीने ट्रीटमेंट कराते हैं, अच्छा इम्प्रूवमेंट जितना आया उसके बाद फिर वो डिले कर जाते हैं सर। जी जी, बहुत अच्छा बोला मैम। अभी पल्लवी मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? वीना मैम कुछ बोलना चाहेंगी? पल्लवी मैम, वीना मैम कुछ बोलिए इस टॉपिक पर। आप लोग के क्या विचार हैं इस पे? महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? वर्षा कौशिक मैम कुछ बोलिए प्लीज आप लोग। प्रणाम सर, प्रणाम सभी। सर हाँ कई बार आप सुनिए, डिलीवरी वर्षा मैम तो आप बोलिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, मैं ज्वाइन करता हूँ, आप बोलते रहिए, सब लोग सुन रहे हैं। हाँ बोलिए मैम। जी कई बार डिलीवरी के टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंटल इंजरी हेड पे लगती है उसकी वजह से भी मेंटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। ऐसा एक बच्चा मेरे पास आया था, वो उस कमर से नीचे पैरालाइज टाइप का हो गया था, मतलब वो बैठ भी नहीं पाता था, और उसकी मेंटल स्टेटस भी जितनी उम्र थी उस हिसाब से कम ही था। उसको मैंने शिरोधारा स्टार्ट किया 2-3 दिन, और अब स्नेहन स्वेदन करवा रही थी, लेकिन वो लोग बच्चा बहुत रोता था, मतलब कॉपरेट ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो 4-5 साल की हो गई थी बेटी, लेकिन फिर उसको वो लोग ले गए, नहीं लाए दोबारा मेरे पास, तो ट्रीटमेंट ज्यादा उसका तो नहीं हो पाया है, पर उसके फीचर्स में थोड़ा थोड़ा, जैसे दवाई बस वो खिला रहे थे, वचा चूर्ण दिया था और कुछ मेद्य और द्रव्य दे के मैंने उनको चटाने के लिए बोला था, क्योंकि वो खा भी नहीं सकती थी वो लड़की, तो थोड़ा मतलब ऐसा हो गया था कि कुछ बोलने से वो सुनती थी, रिस्पॉन्स भी करने लगी थी, और पूरे टाइम मुंह को खुला रखती थी, वो भी उसका धीरे धीरे करके बंद होना शुरू हो गया था, लेकिन और ज्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं आया, वो लोग आए भी नहीं दोबारा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये हाँ जी मैम, बहुत शिकायत है ये वाली जो नॉर्मल डिलीवरी जी करा रहे हैं ना, तो उसमें हाँ बहुत बहुत से केसेस ऐसे हो रहे हैं, और बहुत गलत तरीके से कराया जाता है, बाय फोर्स कराया जाता है, उससे बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये शिकायत है, जी और लोग इसीलिए ना डर के मारे फिर सीजर की तरफ जल्दी चले जाते हैं, थोड़ा भी देखते हैं और डॉक्टर ने जहाँ थोड़ा बोला ना तो वो फिर जी तुरंत जी
ओके कर देते हैं, हाँ भैया आप कर दो, सीधा कर दो और कुमार बच्चे को बचा लो, तो ये भी चीज हो रहा है। और ये ऑटिज्म और इसके बच्चे, इसके वजह से मेरे पास जितने भी केस आए हैं, 15-20 केसेस हैं, और बड़े बच्चे, जी 15-16 साल की उम्र के बच्चे तक भी आए हैं, तो जी जी 3 माह के बच्चे से लेकर के 15-16 साल के बच्चे भी आए हैं। तो बेशक इसमें न्यूरॉन्स के तो बहुत अच्छा प्रिपेयर होता है, हमारा जो संज्ञा स्थापक गण है, शिरोधारा है, नस्य है और वक्षी है, और हम पिंड स्वेद करते हैं, शक्तिशाली पिंड स्वेद करते हैं, धारा करते हैं उसके पृष्ठवंश ग्रह पर, पूरे रीढ़ की हड्डियों पर, तो बहुत लाभ मिलता है। लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा पैसा भी यहाँ पे दिक्कत लगता है, उनको मनी प्रॉब्लम, क्योंकि वो कई लाख खर्च करके और कई हॉस्पिटलों में दर दर भटक भटक के आते हैं, दसों साल घूम के आते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, मदर फादर फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। वो मेरे घर में भी है एक चाइल्ड, उसको भी टॉस पॉजिटिव था, मेरे रिलेशन में है, तो वो बच्ची बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाती थी, एकदम बेड पे ऐसे ही लेटे रहती थी, लेकिन अभी चेयर में बैठ रही है, और उसके मदर को सारी दवाइयों में भेजती हूँ, और अभी जो नेक है ना वो भी स्ट्रेट करके, और टीवी वगैरह रिमोट चला रही है वो अभी अपने हाथ से, और सब चीज समझती है, सॉन्ग वगैरह बोलो तो सॉन्ग लगाती है, इतना चीज समझती है, आईलिड भी उसका खुला ही रहता था, पूरा मुंह खुला रहता था, और इतना कफ निकला उसको, उसको थोड़ा सा विरेचन के लिए मैं औषधि दी थी, और फिर वमन के लिए भी, तो और जी जब शोधन किए तो उसका जो स्टमक, रीढ़ की हड्डी ना, सी आकार में हो गया था, ऐसे ऐसे हो गया था, और जी स्टमक बिल्कुल टेढ़ा हो गया, जब विरेचन करा के और धीरे धीरे और वस्ती से उसका स्टूल निकला, इतना गंदा इतना गंदा, तो उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में बल भी आने लगा, और फिर यही वस्ती चलाने लगी, वस्ती मज्जा उबाल करके, बॉइल करके, थोड़ा सा त्रिकंडू डाल के घी डाल, उसका भी बहुत लाभ मिला, क्योंकि लंबा करते नहीं है वो लोग, 7-8 साल की हाँ बच्ची है 8 साल की, तो कम से कम लंबा नहीं उसको करते आठ हैं, प्लस थोड़ा हाँ हाँ महंगा जैसे बला तेल वगैरह यूज करेंगे अपन लोग, तो वो लोग हाँ उनको वो वसाभी भी तेल, सर का महंगा। तेल, इन सब मैं भेजी उसको, उसमें अच्छा रहा है इम्प्रूवमेंट, लेकिन अब वो 1,000-2,000 की दवाइयों में भी उनको महंगा लगता है, तो क्या कर सकते हैं अपन, ये है स्वर्ण उनका। प्राशन का अच्छा रिजल्ट है मैम इसमें। हाँ जी सर, बहुत हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा, स्वर्ण प्राशन स्वर्ण भी बहुत प्राशन अच्छा और है। ब्रह्म रसायन और अपन नस, इसको यदि हाँ कंटिन्यू दें 3-4 साल तक, तो इसमें बहुत रिजल्ट मिल जाता है। सर, 3-4 महीने भी नहीं देते ना उनको, तो आयुर्वेद में आए, मतलब आपके पारी सर, नहीं पड़ती मैं इसमें 3-4 साल तक कंटिन्यू किया था मैंने एक बच्चे का, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका। स्वर्ण प्राशन कंटिन्यू दिया उसको मैंने, जी और उसके हिसाब से उसको अच्छा ब्रह्म रसायन साथ में चटाया, और उसका पहले मैंने उससे दीपन पाचन किया था, वो करीबन 1 साल का बच्चा था, और उसमें धीरे धीरे 3-4 साल में उसमें काफी इम्प्रूव आ गया, और हाँ साथ जी, हाँ जी में सर, का प्रयोग करें तो इससे रिजल्ट आ जाता है करीब करीब बहुत अच्छा। और नहीं नहीं तो आता बहुत सर, बहुत दवाइयां के अच्छा, स्वर्ण प्राशन मैंने इसमें अच्छा पाया इसका रिजल्ट, हाँ कई जी, हाँ जी, अभी एक बच्चों को बच्ची है ऑटिज्म की, उसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, जैसे दिखाया। पहले उसके मदर फादर बोलते थे कि कुछ भी जैसे गुब्बारा उड़ा रहे तो वो उस चीज को फॉलो नहीं कर पाती थी और पकड़ भी नहीं पाती थी, लेकिन अभी उड़ उठती है और जंप लेकर के उसको पकड़ने लगी है, ये चीज उसमें अपन को इम्प्रूवमेंट जैसे है, केवल स्वर्ण प्राशन जो बना हुआ हो कहीं अच्छी क्वालिटी का है, तो खुद बनाए या अच्छी अपन क्वालिटी। क्वालिटी कर लें, बस यही अंतर है। क्यों कई खराब क्वालिटी के जो लोगों ने मार्केट खराब कर दिया, उससे हाँ कई हाँ दिक्कत हाँ आ रही है, हमने स्वर्ण प्राशन पिला दिया कुछ नहीं हुआ, तो इस तरह के लोग बेसी बना देते, उसमें कुछ स्वर्ण प्राशन मिलाते नहीं, बस घी से जी, मिला के थोड़ा बहुत ब्राह्मी वामी मिला दिया और स्वर्ण प्राशन हो गया वो। नहीं हम खुद ही अच्छा स्वर्ण बनाते हैं, प्राशन वही ज्यादा क्वालिटी अगर अच्छा है बनाए जी अपन तो अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। जी और मैं अपने फिर तो खुद अष्टांग ही में अपन ने बनाते हैं, पढ़ाई था कल परसों ही अपन ने, उसमें तो उसमें था ही वो उसका, तो उसका रिजल्ट वास्तव में ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो सर आपने उसको पुष्य नक्षत्र पे ही बस दिया कि डेली? नहीं, डेली का दिया मैंने, तो डेली उसको डेली 3 साल तक कंटिन्यू, जी मतलब उसमें सर, अपन क्या है कि उसे मात्रा के जो ये जो पुष्य नक्षत्र में उसमें डबल मात्रा करते हैं अपन, और इसमें हाँ अपन सिंगल मात्रा करते हैं। जैसे 1 साल का बच्चा है, अपन को 2 बूंद पिलानी है, तो 2 बूंद उसको अपन डेली पिलाते हैं फिर उसको, और अगर जी, पुष्य नक्षत्र पिलाना है तो 4 बूंद उसको अपन एक ही दिन पिलाएंगे बस महीने में, ये होता है, अच्छा तो अपन जी कंटिन्यू सर, पिलाते हैं उसको। और फिर ये बचपन में एक बच्चा धारोष्ण रूप से देने का जो विधान है, कि बच्चा यदि छोटा है और उसको 21 दिन तक 100 टाइम उसको खिसके और चाटन कराया जाए ब्रह्म मुहूर्त में, तो बहुत ही मेघावान और बुद्धिमान बच्चा होता है वो,
और 100 सेंटेंस को एक बार में वो याद कर लेता है। और ये चीज है सर, मैंने प्रयोग किया है, अब बच्चे में है, मैं उसका बच्चे का वो भी वीडियो भी डालूंगी कि हाँ तो लैंग्वेज होगा, भी। बच्चा अपनी जो है ना, बच्चा ब्राह्मी ज्योतिषमती ये सारी ड्रग्स हैं, लेकिन उस तरह का हमने प्रयोग नहीं किया। मैंने जो प्रयोग किया है वो बता रहा हूँ मैं तो। आपने ब्रह्म जी यदि बच्चा का प्रयोग किया तो हो सकता है इसका रिजल्ट अच्छा ही हो, क्योंकि अपने ग्रंथों में दिया हुआ है, अपन उसको प्रयोग नहीं करते। कई नहीं बार करते क्वालिटी का फर्क पड़ता है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी मिल जाए सबसे बड़ी चीज है। अभी अपन को जो बच्चा है वो अच्छी क्वालिटी की मिल नहीं पाती, कई बार तो यहाँ खराब नहीं, मिलती है, तो उसको मैं उसको ऐसे ही स्ट्रेट उसमें वुड के रूप में ही मंगाई और उसको माँ को बोली कि अपने दूध में सुबेरे और 100 बार उसको अच्छा साफ पत्थर पे घिस के और उसका चाटन करा, और जातिफल का जो आता है उसको, जातिफल को भी घिस के उसको भी उसको मालिश सालिश के बाद उसका चाटन करा, तो बच्चे में कोई व्याधि भी नहीं और बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब मिरेकल चाइल्ड निकल। मैंने तो बचाकर मिश्री का प्रयोग उसमें किया, जो बच्चा तुतलाते हैं ना, जो बच्चे की जवान से उनको जैसे कहीं चकले वगैरह आप है उसको घिस के, मिश्री और बच्चा दोनों को घिस के और बच्चे से चटवा उस जीव को, तो कई बार जो जीव का जो चिकनापन है वो दूर हो जाता है और खरदरीश हो जाती है जीव, और उससे फिर वो जो तुतलापन है वो उसका खत्म हो जाता है। जी, थोड़ा सुगंधा भी चला देते हैं तो और अच्छा रिजल्ट आता है इसमें अश्वगंधा ने अपने बहुत। यही था कि क्यों 5-6 साल का कोई बच्चा हो जाए तुतला था, उसको ये सादा सी चीज है कि एक तो बच ले आओ और मिश्री जी और पीस के उसमें चटनी से बना के उसमें चकला पे पीस दो उसको घिस के, और जी उसको चटवाओ उसी जीप से, उसी उसी जीप से ही उसको। कभी कभी बच्चा बोलता बहुत लेट है तो उसमें भी ये अच्छा आता है हाँ काम इसी का, जैसे। हाँ उसे उसको भी काम आ सकता है, क्योंकि कई बार तो खैर वो अपन जो तांतु होते हैं ये जो अपन का नीचे जीप का जीप के नीचे जी हाँ, वो भी उसमें खराब रगड़ती रहता है, है, हाँ, मतलब वो दिक्कत नहीं है, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। शहद और बच्चा को मिला के उसमें थोड़ा रगड़ती है वहां पर शादी हाँ नहीं मैं तो मिश्री के। मिलाता हूँ, मैं मिश्री और साथ में उसको बचा। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो मैं क्या करती हूँ कि बच्चा को और शहद को तो बच्चे से मिक्स करके और चांदी के उससे सलाई से, और बोलती हूँ सरस्वती मंत्र बोलते रहो और इसको लगाओ, तो बच्चे में अच्छा रिजल्ट आता है इसका। जी ठीक जी है सर ठीक है। तो आयुर्वेद के हिसाब से कैसा है कि पहले तो गर्भाधान के पहले कुछ नियम बताएं, जैसे कि चरक संहिता में सुश्रुत संहिता में बोला है कि सगोत्रीय सेम गोत्र वाले विवाह नहीं करना है, अगर मेंटली रिटार्डेशन को बचाना है। तो जो आचार्य भेल है उन्होंने तो क्लियरली बोला है कि सगोत्रीय विवाह नहीं करना चाहिए, उन्होंने स्पेशली इस पे पूरा अध्याय लिखा है। उसी तरह से प्रेगनेंसी में गर्भोपघात कर भाव, आचार्य चरक ने बताया कि हमारा जो पथ्य पथ्य है वो कैसा होना चाहिए, आदतें या फिर कोई इंजुरी हो रही है, ट्रॉमा हो रहा है जिसे अबॉर्शन हो रहा है, तो इससे बहुत सारे तकलीफें बढ़ जाती हैं, हैबिचुअल अबॉर्शन, थ्रेटन अबॉर्शन ये सब हो रहा है, और उसके बाद कंसीव कर रही है तो वो मेंटली मेंटली वो खुद बीमार है, माँ मेंटली वो दुख से नहीं निकल पाई और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, तो माँ माँ का दिमाग का असर बच्चे पे पड़ता है, या वो बहुत दिन में सो रही है या फिर बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रही है, तो या तो अल्कोहल लेने मदिरा का पान कर रही है ना, तो बच्चे का पुअर मेमोरी होगा, हाइपर एक्टिव होंगे, एडीएचडी होगा या फिर मेंटली इम्पेयर्ड होंगे, और 4th महीने में चौथे महीने में हृदय बनता है, तो हृदय जो रहता है वो कॉन्शियसनेस का स्थान रहता है, तो और उसके बाद में जब दौहृदावस्था शुरू होती है तो दौहृदावस्था में जो जो चीजें मांगता है बच्चा माँ के थ्रू वो चीजें नहीं मिली पोषण के लिए, तो फिर वो कुब्ज खंज जड़ या मेंटली रिटार्डेड ऐसे हो जाएगा। तो दौहृद की पूरी हमें अच्छे से स्टडी करके और अपने पेशेंट को बताना चाहिए, जो इच्छा हो रही वो पूरा करना है। उसी तरह से विकृत चीजें नहीं खानी है, जैसे उसको सुअर का मांस खाने का मन कर रहा है तो वो नहीं करना है, डांस करने का मन कर नहीं, जो चीज नहीं है वो नहीं है, अच्छी चीजों का डिमांड करिए और जो जेन्यून है उसका पूरा करना चाहिए। प्रेगनेंसी में हमें ये देखना चाहिए कि जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर रहता है तो उसमें कोई जो हम लोग ये करते हैं प्रेशर लगाते हैं डिलीवरी के टाइम पे, बेयरिंग डाउन का पेन जो रहता है वो अच्छे से होना चाहिए, मतलब अच्छे से प्रेशर लगा के जो माता है बहने हैं वो अच्छे से वो बच्चे को करे डिलीवर करें, नहीं तो अगर ट्रॉमा हो गया तो उससे फिर पूरा मतलब तकलीफ होगा, और नहीं तो इसको टर्मिनेट कर दे, उसको नष्ट कर दे बच्चे को अगर विकृत हो रहा है तो। ऐसे इंडिया में लीगल नहीं है ये सब चीज, टर्मिनेट करना, बच्चा पैदा हुआ उसको मार दो ऐसा नहीं है,
लेकिन फॉरेन कंट्रीज में है कि बच्चा विकृत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है तो उसको मार दो, उसी तरह से कंसेंट लेके, उसी तरह से जो आयुर्वेदिक जो जात कर्म संस्कार है, जात मात्र संस्कार, वो अगर किया जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है। लेहन संस्कार होता है, मधुघृत स्वर्ण संस्कार, वो मधुघृत स्वर्ण दिया जाता है वैदिक मंत्रों से, उससे मेधा और बल बढ़ता है। और काश्यप संहिता में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया कि प्राण प्रत्यागम हो जाता है तो उसमें श्लेष्मा का शोधन करना है, उसके बाद में रक्षा कर्म करना है, धूपन कर्म करना है, बहुत सारे लेह कल्पनाएं बताएं वो करना है। इसी तरह से मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे आते हैं उनको द्राक्षादि कषाय, कल्याणक कषाय, ब्राह्मी द्राक्षादि कषाय देते हैं, यष्टि मधु चूर्ण देते हैं, शंख पुष्पी चूर्ण, रजन्यादि चूर्ण देते हैं। वटी कल्पना में मानस मेंटली रिटार्डेड है तो मानस मित्र वटिका, फिर पंचारविंद वो देते हैं, अरविंदासव देते हैं, या गोरोचनादि वटी देते हैं। इसी तरह से संवर्धन घृत करके आता है, पंचगव्य घृत, फिर कल्याणक घृत, ब्राह्मी घृत, चेतस घृत देने से फायदा होता है। इसी तरह से स्वर्ण को हम लोग घृत वचा और पुष्ट वनस्पति से देते हैं, या फिर मत्स्याक्षी स्वर्ण वचा घृत और मधु, या अर्क पुष्पी घृत स्वर्ण वचा और मधु, या स्वर्ण चूर्ण कैदर्य श्वेत दुर्वा घृत और मधु, ये सब जब देते हैं तो इसका अभ्यास करने से मेधा और बुद्धि बढ़ जाती है और जो मेंटली रिटार्डेड है वो भी ठीक हो जाते हैं। फिर उसी तरह से ज्योतिषमती तेल का नस्य देते हैं, वचा तेल का नस्य देते हैं, ब्राह्मी तेल का नस्य देते हैं, अवले में च्यवनप्राश अवले, अगस्त हरित की अवले, अगस्त अवले, फिर वशिष्ठ रसायन, वशिष्ठ रसायन से फायदा होता है, कल्याणक अवले देते हैं, च्यवनप्राश, कुष्मांडले हम, द्राक्षादि ले हम, और शंख पुष्पी से, शंख पुष्पी जटा यष्टि मधु, और जो भी मेध्य चीजें हैं वो अगर देते हैं, स्वर्ण सारस्वत ऋष देते हैं, फिर स्मृति सागर रस देते हैं, पंचामृत लौह गुगुल देते हैं, फिर बस्ती देते हैं, जैसे कि जो संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य हैं, जैसे ब्राह्मी तेल, वचा तेल, ज्योतिषमती तेल। तो मेंटली रिटार्डेड जो लोग होते हैं धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं। आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं, अभय सर, वीना मैम, मनीषा मैम कुछ बोलना चाहती हैं, शशि मैम कुछ मर्म पॉइंट, आप लोगों को पता है कि मर्म पॉइंट को स्टिमुलेट किया तो मेंटल रिटार्डेशन में फायदा होता है। हाँ जी, हाँ जी सर, सर के जितने हाँ मर्म हो वो सारे मर्म कर सकते हैं सर, जैसे चाहे अधिपति है, सीमंत है, विदुर है, मतलब फेस वाला और सर वाला जितना मर्म हो सारे मर्म करना होता अच्छा है जी सर। ठीक है, चलिए चल अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम 9 बजे मिलते हैं, ये टॉपिक समाप्त हो गया, ये आप लोग करिए पेशेंट को ठीक, फिर हमें बताइए, क्योंकि ये जी सर, एक लेक्चर में होने वाला नहीं है, इस पे और बार बार बात होनी चाहिए। मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, थैंक यू, प्रणाम, फिर मिलते हैं 9 बजे, थैंक यू। धन्यवाद।